आज के छोटे बात में कोटक बैंक की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर रहा है, जिससे क्या कर रहा है, कोटक की जितने एफडी वाले कार्ड है उन सबका लिमिट इंक्रीज करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोग को मेल भी आ चुका है, एंड जैसे कि मैं आपको लाइव यहाँ पे दो लोग का इसका भी स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूँ जिनको मेल आया हुआ है, किसी के पास तो तीन गुना लिमिट इंक्रीज कर दिया जा रहा है वो भी एफडी कार्ड पे। जबकि आप लोगों को पता, अगर आप अगर एफडी कार्ड का लिमिट इंक्रीज करना चाहो तो आपको पहले तो या तो एफडी अपना क्लोज करना पड़ता था या तो फिर आपको अपना एफडी बढ़ाना पड़ता था एफडी अमाउंट। लेकिन अभी जो ऑफर दिया जा रहा है, विदाउट एफडी अमाउंट बढ़ाए आप अपना जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है अपना इंक्रीज कर सकते हो, साथ ही साथ आप सिक्योर कार्ड से अनसिक्योर कार्ड में शिफ्ट हो सकते हो, बंद हो जाएगा आपका कार्ड जो है आप उसको यूज कर सकते हो, आपका कार्ड बंद नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं कि इनको मेल आ रहा है, कि इनको मेल कैसे आ रहा है, क्यों इनका जो ऑफर का इंक्रीज करने का लिमिट दिया जा रहा है, इन लोगों को क्यों ऑफर दिया। देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो एफडी कार्ड लिमिट इंक्रीज करना बहुत कम ही चांस आता है कि लिमिट इंक्रीज करने का, लेकिन ये जो कोटक दे रहा है अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ पिछले दो तीन महीने से कोटक बैंक जो है क्रेडिट कार्ड पर काफी ज्यादा वर्क कर रहे, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे कस्टमर घट गया ना, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं अदर बैंक में शिफ्ट हो रहे हैं कि अपना क्रेडिट कार्ड जो है अप्लाई करवा रहे हैं। फायदा उठाते हुए जो कोटक बैंक है अपना जो है एफडी वाले कार्ड का भी लिमिट इंक्रीज कर देगी, भाई आप लोग भी इंक्रीज कर देते, आप लोग भी यूज करो, अपना एफडी भी ब्रेक कर लो, अपना पैसे भी यूज कर लो। पहला देख सकते हमारे यहाँ पे है नवदीप गुर्जर करके, इनका मेल आया था, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू इंक्रीज क्रेडिट कार्ड लिमिट 22,000। मतलब इनका जो बताया इन्होंने मुझे मैसेज में कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 9,000 इनका पहले था, एंड अभी इनको मेल आया कि आप अपना जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है आप इसको 22,000 तक इंक्रीज कर सकते हो, जो कि एफडी वाला कार्ड है। नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे आपको कोई ऑप्शन एंड नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे आपको ऑफर का वैलिडिटी भी दिखा देगा कि जो इनके कार्ड के लास्ट 4 डिजिट दिखा दे रहा है, एंड अब कितना लिमिट इंक्रीज होगा यहाँ पे दिख जाएगा नीचे, एंड साथ ही साथ दिखा रहा है ये ऑफर कब तक वैलिड है, मतलब यहाँ पे दिखा दे रहा है 31/12/2022 तक ये ऑफर वैलिड है। एंड यहाँ पे देखते मेरे और सब्सक्राइबर देव ज्योति जास करके, इनको भी ऑफर मिला, बट इनको जो लिमिट मिला है इनका जो 19,000 लिमिट का इंक्रीज का ऑफर मिला है। साथ ही साथ बात कर लें इनका भी जो लास्ट ऑफर वैलिडिटी दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 31/12/2022 से लास्ट, मतलब 31 दिसंबर से पहले अगर ये लोग ऑफर इंक्रीज करते तो इंक्रीज होगा, अदरवाइज इनका जो कार्ड है इंक्रीज नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं भाई एफडी कार्ड इंक्रीज करने का रीजन भी हो सकता है कि इन्होंने बताया हमें कि हर महीने इनका जो है ना ट्रांजेक्शन अच्छा खासा होता था, क्योंकि देखो ये लोग ज़्यादा करके ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, तो आप लोगों को पता होगा कोई भी कंपनी होती है लाइक क्रेडिट कार्ड की तो वो लोग ये देखते हैं कि बंदा क्या कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, मतलब जैसे आप लोगों को हर महीने अगर एक फ़ोन ऑर्डर कर रहे हो या कोई भी फ़ोन परचेस कर रहे हो हर टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो तो आपका सिविल तो अच्छा हो जाता है, प्लस कंपनी को लगता है हाँ भाई इस बंदे को अगर हम और ज़्यादा लिमिट देंगे तो ये और ज़्यादा यूज़ करेगा, क्योंकि इसके पास इतना हो सकता है कि हमने लिमिट कम दिया इसलिए ये बंदा लिमिट यूज़ नहीं कर पा रहा है इसके, एंड मोस्टली केस में इसी वजह से कंपनी क्या कर रही है अपना जो लिमिट है इंक्रीज करते जा रही है कि भाई हम इनको ज़्यादा लिमिट इंक्रीज देंगे तो अब ये लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसी चीज़ का आप लोग फायदा उठा सकते हो, अगर आप लोग कंटिन्यू 2-3 महीने कुछ भी ऑर्डर कर लो या कुछ सामान है और चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं कि भाई क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज ले कर लो पता चला इंक्रीज ही ना हो, तो अगर या तो अपने रिलेटिव में किसी को भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करा दो, और मैक्सिमम केसेस में सब लोग क्या करते हैं जैसे मैं खुद करता था पहले, हम लोग क्या करते हैं रेंट पेमेंट करके या फिर वॉलेट से करके अपना जो क्रेडिट कार्ड के बैलेंस है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस केस में 99% भाई मैं लिख के देता हूँ कि आपका जो लिमिट है जल्दी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को पता है रेंट पेमेंट के माध्यम से निकाल रहा है ये पैसा, मतलब ये यूज़ करने के लिए रहा है। लेकिन अगर आप कहीं ऑनलाइन डेबिट कार्ड से स्पेंड कर रहे हो शॉपिंग में या कहीं पर भी ना, तो उससे अलग बात हो जाती है कि ये बंदा हाँ सच में शॉपिंग कर रहा है रियल तरीके से, लेकिन आप इसको अगर बैलेंस निकाल लो तो बैंक को भी पता चल जाती है ये सिर्फ ये बैलेंस ट्रांसफर के लिए ये क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं जो अपना है लिमिट जो है कम इंक्रीज करने के लिए ऑफर देते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर आज बैलेंस इनके पास नहीं है तभी ये बैलेंस निकाल लें। बट अगर आप शॉपिंग करते हो ना तो 100% टाइमली अगर पेमेंट करते हो तो 100% लगा कि भाई हाँ ये बंदा जेन्युइन है इसका लिमिट इंक्रीज कर दो ताकि ये और ज़्यादा शॉपिंग करे, मतलब इससे अगर ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो टाइमली पे नहीं कर पाओगे और बैंक आपसे इंटरेस्ट कमाएगी, इसी वजह से बैंक आपका जो है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करती रहती है। तो गाइस आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।